सीडी कांड के घेरे में फंसे रमन सिंह के मंत्री राजेश मूणत ने सेक्स सीडी को फर्जी बताया। सीडी में होने से किया साफ इनकार, कहा किसी भी एजेंसी से सीडी की जांच कराने को तैयार। गाजियाबाद कोर्ट ने सीडी कांड मामले में पत्रकार विनोद वर्मा को 3 दिन की ट्रांजिट रिमांड पर भेजा। 30 अक्टूबर को पुलिस विनोद वर्मा को छत्तीसगढ़ कोर्ट में पेश करेगी। बीजेपी नेता श्रीचंद सुंदरानी ने कहा है कि बीजेपी का कोई मंत्री सेक्स कांड में नहीं फंसा है। कांग्रेस बेबुनियाद आरोप लगा रही है। बोले विनोद वर्मा कांग्रेस के लिए काम करते हैं, इसीलिए उन्होंने ऐसा किया है। विनोद वर्मा फ्रीलांस पत्रकार हैं। पहले वो बीबीसी और अमर उजाला से जुड़े रहे हैं। फिलहाल विनोद छत्तीसगढ़ कांग्रेस अध्यक्ष भूपेश बघेल का सोशल मीडिया का काम देखते हैं। बघेल ने भी सीडी में छत्तीसगढ़ सरकार के मंत्री के होने का दावा किया है और सीडी की जांच की मांग की है। प्रकाश बजाज नाम के शख्स ने विनोद वर्मा की शिकायत की थी। कल रायपुर में विनोद वर्मा के खिलाफ केस दर्ज हुआ था और आज सुबह गाजियाबाद के इंदिरापुरम से पुलिस ने विनोद को गिरफ्तार कर लिया था। गाजियाबाद के इंदिरापुरम थाने में पत्रकार विनोद वर्मा के समर्थन में कई सारे दिग्गज पत्रकार नजर आए। सभी ने पत्रकार विनोद की गिरफ्तारी और पुलिस की कार्रवाई पर सवाल उठाए। बीजेपी पर 1 करोड़ रुपए का ऑफर देने का आरोप लगाने वाले हार्दिक के करीबी अब नरेंद्र पटेल की कांग्रेस से डील का ऑडियो सामने आया। नरेंद्र पटेल ने कहा बीजेपी ने बदनाम करने के लिए ऑडियो जारी किया। गुजरात चुनाव को लेकर एमएनएस अध्यक्ष राज ठाकरे का बीजेपी पर निशाना। बोले गुजरात चुनाव में बीजेपी को खोना ही है, कांग्रेस के पास खोने के लिए कुछ नहीं। अगर फिर भी बीजेपी 150 सीटें जीतती है तो इसका मतलब मशीन में खेल है। उत्तराखंड दौरे के दूसरे दिन आज प्रधानमंत्री मोदी ने मसूरी में मौजूद एलबीएस एकेडमी में ट्रेनी आईएएस अफसरों को संबोधित किया। पीएम ने अपने भाषण के दौरान जन भागीदारी पर जोर दिया। पीएम ने लाल बहादुर शास्त्री की प्रतिमा पर श्रद्धा सुमन भी अर्पित की। मसूरी की एलबीएस एकेडमी में पीएम मोदी ने ट्रेनी आईएएस अफसरों समेत केंद्रीय विद्यालय के बच्चों के साथ योग भी किया। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी को पेट में तकलीफ की वजह से आज शाम दिल्ली के सर गंगाराम अस्पताल में भर्ती कराया गया। राहुल गांधी ने ट्वीट कर कहा है कि मां शिमला में थी और चिंता की कोई बात नहीं है। हिमाचल चुनाव के लिए बीजेपी ने स्टार प्रचारकों की लिस्ट जारी की है। 2 नवंबर को रहन फतेहपुर में प्रधानमंत्री मोदी की जनसभा। 30 अक्टूबर से अमित शाह का 5 दिवसीय हिमाचल दौरा। 29 अक्टूबर को 3 दिन के हिमाचल दौरे पर जाएंगे राजनाथ। यूपी के सीएम योगी समेत बीजेपी के कई बड़े मंत्री प्रचार के लिए जाएंगे हिमाचल। परसों यानी 29 अक्टूबर को बीजेपी हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए अपना विजन डॉक्यूमेंट जारी करेगी। विजन डॉक्यूमेंट में केंद्र की मोदी सरकार की झलक होगी। ये विजन डॉक्यूमेंट अरुण जेटली जारी करेंगे। हिमाचल प्रदेश चुनाव के लिए कांग्रेस ने विद्या स्टोक्स को समन्वय समिति का अध्यक्ष बनाया है। वहीं सीएम वीरभद्र सिंह और आनंद शर्मा समेत 7 लोग इस समिति के सदस्य होंगे। आपको बता दें कि समन्वय समिति की अध्यक्ष बनाई गई स्टोक्स का ठियोग सीट से नामांकन रद्द हो चुका है। यूपी में योगी के सीएम बनने के बाद पहली बार स्थानीय चुनावों का ऐलान। 22 नवम्बर से 3 चरणों में चुनाव, 1 दिसम्बर को आएंगे नतीजे। 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक उज्जैन के महाकाल को नुकसान से बचाने के लिए सुप्रीम कोर्ट का बड़ा आदेश। आरओ के जल से होगा अभिषेक। प्रति श्रद्धालु सिर्फ 0.5 लीटर जल चढ़ाने का आदेश। रेलवे होटल टेंडर घोटाले में आरोपी लालू की पत्नी और पूर्व सीएम राबड़ी देवी आज ईडी के सामने 5वीं बार भी पेश नहीं हुई। ईडी ने उन्हें फिर समन भेजकर 7 नवम्बर को पेश होने के लिए कहा है। कश्मीर विलय दिवस के खिलाफ हुर्रियत नेताओं ने आज घाटी में बंद बुलाया था, जिसके चलते सड़कों पर सन्नाटा रहा। 27 अक्टूबर 1947 को केंद्र सरकार ने कश्मीर विलय पत्र स्वीकार किया था। यूपी के मुरादाबाद में लश्कर आतंकी परहान जाली पासपोर्ट के साथ गिरफ्तार आतंकी परहान गोधरा कांड में आरोपी रह चुका है। सुप्रीम कोर्ट ने ब्लू व्हेल गेम को बताया राष्ट्रीय समस्या। कहा प्राइवेट और दूरदर्शन को प्राइम टाइम प्रोग्राम्स में इस गेम से बचने को लेकर जागरूकता फैलानी चाहिए। यूपी के फतेहपुर सीकरी में 4 दिन पहले स्विस प्रेमी जोड़े के साथ मारपीट के मामले में 5वां आरोपी गिरफ्तार। इस मामले में विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने योगी सरकार से रिपोर्ट मांगी है। स्विस एम्बेसी के अधिकारियों ने अपने दोनों नागरिकों की सेहत को लेकर चिंता जताई। पाकिस्तान से हिंदुस्तान आई मूक बधिर गीता को अपनी बेटी बताने का दावा करने वाले झारखंड के दंपति का इंदौर में डीएनए टेस्ट हुआ। सैंपल दिल्ली लैब में भेजा जाएगा। रिपोर्ट आने के बाद ही स्थिति साफ हो पाएगी। हालांकि गीता का इस परिवार को पहचानने से इनकार। इलाहाबाद केंद्रीय विश्वविद्यालय में बीए की कुछ छात्राओं से सरेआम छेड़छाड़ के मामले में आरोपी छात्र निलंबित। यूनिवर्सिटी ने 24 घंटे में जांच पूरी कर छात्र सुधाकर यादव को दोषी पाया। दोषी छात्र के खिलाफ पुलिस में भी केस दर्ज।
मध्य प्रदेश में महिला सुरक्षा के दावों की लगातार पोल खुलती जा रही है। ताजा मामला दमोह जिले का है, जहां बीती रात सरकारी गर्ल्स हॉस्टल में एक मनचला घुस गया और उसने लड़कियों के साथ मारपीट की। इस घटना में दो लड़कियां घायल हो गई हैं, वहीं आरोपी अब तक फरार है। आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा में स्टेट ट्रांसपोर्ट की बस का ब्रेक फेल होने से बड़ा हादसा, 3 लोगों की कुचलने से हुई मौत। लगातार तीसरे दिन सेंसेक्स में उछाल, आज सेंसेक्स 33,286 के नए रिकॉर्ड स्तर तक पहुंचने में कामयाब हुआ। वहीं निफ्टी 21 अंक गिरकर 10,366 पर बंद हुआ। देश के सबसे बड़े प्राइवेट बैंक आईसीआईसीआई बैंक के दूसरी तिमाही के नतीजे अनुमान से कमजोर रहे हैं। दूसरी तिमाही में बैंक का मुनाफा 34% घटकर 2,058 करोड़ रुपए रहा, जबकि पिछले फाइनेंशियल की दूसरी तिमाही में बैंक को 3,102 करोड़ रुपए का मुनाफा हुआ था। फाइनेंशियल ईयर 2018 की दूसरी तिमाही में मारुति सुजुकी का मुनाफा 3.41% बढ़कर 2,484 करोड़ हो गया है। पिछले फाइनेंशियल ईयर की दूसरी तिमाही में कंपनी को 2,402 करोड़ का मुनाफा हुआ था। वहीं कंपनी की आय 21.8% बढ़कर 21,768 करोड़ रुपए पर पहुंच गई है। भारत में एप्पल आईफोन 10 को जबरदस्त रिस्पॉन्स मिल रहा है, सिर्फ 15 मिनट में आउट ऑफ स्टॉक हुआ। 1,00,000 रुपए कीमत का यह फोन की प्री बुकिंग आज दोपहर 12:31 पर शुरू हुई थी। एप्पल ने अपनी 10वीं सालगिरह पर लोगों को आईफोन 10 का तोहफा दिया है। 29 अक्टूबर को कानपुर में टीम इंडिया के साथ मैच से पहले आज न्यूजीलैंड के क्रिकेटर्स ने मॉल में शॉपिंग की। 3 मैचों की सीरीज में दोनों ही टीमें अभी 1-1 की बराबरी पर हैं। उत्तर प्रदेश के संभल में चल रहे कल के उत्सव में राधिमा ने अपने भक्तों के बीच जमकर डांस किया और भक्तों को आशीर्वाद दिया। इस दौरान उन पर भक्तों ने फूल भी बरसाए और नोट भी बांटे। ये है एबीपी न्यूज़, आपको रखे आगे।